इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर आईजी दीपांशु काबरा ने 5 जिलों के एसपी की बैठक ली है। आगामी चुनावों को लेकर ये बैठक ली जा रही है और बताया जा रहा है कि स्थायी वारंटियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आईजी दीपांशु काबरा ने 5 जिलों के एसपी की बैठक ली है। लाइसेंसी हथियार रखने वालों से पुलिस ने अपील की है अपने हथियार जमा करवा दें, गुंडे बदमाशों को लेकर जिला बदर की कार्रवाई भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम रायपुर से, जहां पर आईजी दीपांशु काबरा ने 5 जिलों के एसपी की बैठक ली है और आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोडल पुलिस अफसर और 10 ऐसे अफसरों को दिल्ली बुला करके ट्रेन किया था। ये ट्रेनिंग विभिन्न चीज़ों में हमको बताई गई थी। पहली बार छत्तीसगढ़ के अफसरों को बुलाया गया है ट्रेन करने के लिए वहाँ पर, और इसमें पुलिस को क्या करना क्या नहीं करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, आगे आने वाले चुनाव में हमको किस तरह की सावधानियां बरतनी, इन सारी बातों को वहाँ बताया गया। और इलेक्शन रिलेटेड अफेंस कैसे हैं, उसमें क्या कार्रवाई करनी है, आगे आने वाले समय में हमको जहाँ एक्सपेंडिचर जहाँ पैसे का खर्चा होता है बाकी लोगों का, उस पर पुलिस की क्या भूमिका है, अन्य एजेंसियों के कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, बल कैसे लगाना है, पेट्रोलिंग कैसे करनी, एरियाज़ को कैसे कवर करना है, ऐसे सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, इन सारे के बारे में बताया। वो ट्रेनर जो मास्टर ट्रेनर्स आए थे, हर रेंज से दो दो मास्टर ट्रेनर्स थे, उन्होंने पिछले दो दिनों में सारे जो जियोज हैं उनको ट्रेन किया है और कुछ सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स लेवल पर भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है।